हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका हमारे हैज एग्रीकल्चर स्टडी चैनल में स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे बीएससी एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर से रिलेटेड सभी उपयोगी परीक्षाओं जैसे यूपी के टेट, बीएचयू, आईसीआर, जेट एंड आदि एग्रीकल्चर उपयोगी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी के। जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, मटर में चूड़ित आसिता रोग का कारण है। मटर में चूड़ित आसिता पाउडर मिल्ड्यू रोग का कारण है। ए यूरोमाइसिस, फिबी, बी कोलेक्टोट्राइकोपीसी, सी इरिसाइफी पोलोगोनी और डी पेरोनोस्पोरा पीसी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर होगा प्यारे बच्चों, सी ऑप्शन इज करेक्ट होगा, इरिसाइफी पॉलीगोनी। सी ऑप्शन इज करेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2, ग्रेनुलेशन इस फल का एक फिजियोलॉजिकल विकार है। ग्रेनुलेशन किस फल का एक फिजियोलॉजिकल विकार है। ए सेब, बी सपोटा, सी नींबू, डी केला। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सी ऑप्शन इज करेक्ट होगा प्यारे बच्चों, नींबू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नांकित में से कौन सी कोल क्राब की श्रेणी में है। ए चुकंदर, बी शलजम, सी गांठ गोभी, डी पालक। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सी ऑप्शन इज करेक्ट होगा, गांठ गोभी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नांकित में से कौन से फल में एस्कार्बिक एसिड की सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है। निम्नांकित में से कौन से फल में एस्कार्बिक एसिड की सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है। ए है आंवला, बी है आम, सी है सेब, डी है संतरा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंवला। क्वेश्चन नंबर 5, सर्वाधिक विटामिन ए किस में पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, सर्वाधिक विटामिन ए किस में पाया जाता है। ए पके हुए आम के फल में, बी गाजर की जड़ों में, सी पके हुए पपीतों के फल में, डी पके हुए टमाटर के फल में। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ए ऑप्शन इज करेक्ट होगा प्यारे बच्चों, पके हुए आम के फल में विटामिन ए की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विश्व में सर्वाधिक फल उत्पादन करने वाला देश है। विश्व में सर्वाधिक फल उत्पादन करने वाला देश है। ए चीन, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी ब्राज़ील, डी भारतवर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ए ऑप्शन इज करेक्ट, विश्व में सर्वाधिक फसल उत्पादन करने वाला देश है। 6 का ए ऑप्शन इज करेक्ट, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक सब्जी उत्पादन करने वाला देश है। विश्व में सर्वाधिक सब्जी उत्पादन करने वाला देश है। ए चीन, बी ऑस्ट्रेलिया, सी दक्षिण अफ्रीका, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ए ऑप्शन इज करेक्ट, विश्व में सर्वाधिक सब्जी उत्पादन करने वाला देश है, ए चीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस फसल का विश्व में सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। निम्नलिखित में से किस फसल का विश्व में सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। ए आम, बी टमाटर, सी आलू, डी अंगूर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का डी ऑप्शन इज करेक्ट होगा, अंगूर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, प्याज में तीखापन क्षार होने का प्रमुख कारण है। प्याज में तीखापन झार होने का प्रमुख कारण, ए एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, बी कैप्सिन, सी कुकरबिटेसिन और डी कुरकुमिन। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ए ऑप्शन इज करेक्ट,
एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड, प्याज में तीखापन जो झार होता है एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड से होता है। क्वेश्चन नंबर 10, नर तथा उभयलिंगी दोनों ही प्रकार के पुष्प किस फसल में पाए जाते हैं? नर तथा उभयलिंगी दोनों ही प्रकार के पुष्प किस फसल में पाए जाते हैं? ए आम, बी अमरूद, सी भिंडी, डी बैंगन। क्वेश्चन नंबर 10 का ए ऑप्शन मुझे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक वर्गीकरण के जनक फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के रूप में किसको माना जाता है? वैज्ञानिक वर्गीकरण के जनक के रूप में किसको माना जाता है? ए ग्रीस के दार्शनिक थियोक्रेटस को, बी स्वीडन के डॉक्टर कार्नवाल लिने को, सी लिबर्टी हाइड वेली को, डी ग्रेगर जॉन मेंडल को। तो क्वेश्चन नंबर 11 का बी ऑप्शन इज करेक्ट होगा। बी ऑप्शन इज स्वीडन के डॉक्टर कार्नवाल लिनियस को, वैज्ञानिक वर्गीकरण के जनक है कार्नवाल लिनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस सब्जी में सर्वाधिक कैल्शियम तत्व पाया जाता है? निम्नलिखित में से किस सब्जी में सर्वाधिक कैल्शियम तत्व पाया जाता है? ए प्याज, बी मेथी, सी लोबिया, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा प्यारे बच्चों, मेथी। क्वेश्चन नंबर 12 का बी ऑप्शन करेक्ट मेथी होगा। क्वेश्चन नंबर 13, फलों की जेली बनाने में सामान्यतः किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? फलों की जेली बनाने में सामान्यतः किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? ए साइट्रिक अम्ल, बी मैलिक अम्ल, सी टार्टरिक अम्ल, डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ए ऑप्शन ये करेक्ट होगा, साइट्रिक अम्ल। फलों की जेली बनाने में सामान्यतः किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो 13 का ए ऑप्शन ये करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, अनिषेक फलन पार्थेनोकार्पी बहुतायत से किसमें होता है? क्वेश्चन नंबर 14, अनिषेक फलन बहुतायत से किसमें होता है? ए कटहल, बी लीची, सी आम, डी केला। तो क्वेश्चन नंबर 14 का डी ऑप्शन इज करेक्ट, केला होगा प्यारे बच्चों, केला। 14 का डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, फलों को पकाने वाला पादप वृद्धि नियामक प्लांट हार्मोन है। फलों को पकाने वाला पादप वृद्धि नियामक प्लांट हार्मोन है। ए आई बी ए इंडोब्यूटारिक अम्ल, बी इथिलीन गैस, सी एसिटिलीन गैस, डी मैलिक हाइड्रेजाइड। तो क्वेश्चन नंबर 15 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा प्यारे बच्चों, इथिलीन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, आंवला की कौन सी किस्म पेठा कैंडी बनाने के लिए उपयुक्त है? आंवला की कौन सी किस्म पेठा कैंडी बनाने के लिए उपयुक्त है? ए नरेंद्र आंवला 4, बी नरेंद्र आंवला 5, सी नरेंद्र आंवला 9, डी फ्रांसिस। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ए ऑप्शन इज करेक्ट, नरेंद्र आंवला 4। आंवला की पेठा बनाने के लिए उपयुक्त किस्म है नरेंद्र आंवला 4। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतियोगी बाजार है, कॉम्पिटेटिव मार्केट है? ए पूर्व बाजार, बी प्राथमिक बाजार, सी पूंजी बाजार, डी थोक बाजार। तो 17 का ए ऑप्शन इज करेक्ट होगा प्यारे बच्चों, 17 का ए ऑप्शन इज करेक्ट, पूर्व बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, मूल्य सिद्धांत प्राइस थ्योरी भाग होता है, मूल्य सिद्धांत प्राइस थ्योरी भाग होता है? ए सूक्ष्म अर्थशास्त्र का, बी बृहद अर्थशास्त्र का, सी प्रचेत प्रबंध का, डी विपणन का। क्वेश्चन नंबर 18 का ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट, प्राइस थ्योरी
माइक्रो इकोनॉमिक्स में होता है बेटा, जिसे सूक्ष्म अर्थशास्त्र बोलते हैं, मूल सिद्धांत भाग होता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र। क्वेश्चन नंबर 18 का ए आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 19, उत्पादन लागत को किस अर्थशास्त्र के सिद्धांत का प्रयोग करके न्यूनतम किया जाता है? उत्पादन लागत को किस अर्थशास्त्र के सिद्धांत का प्रयोग करके न्यूनतम किया जा सकता है? ए उत्पादन ह्रास नियम, जिसे इंग्लिश में लाया डिमिनिशिंग रिटर्न बोलते हैं। बी अवसर लागत का सिद्धांत, लाया अपॉर्चुनिटी कास्ट। और सी लागत का सिद्धांत, कास्ट ऑफ प्रिंसिपल। डी लिस्ट कास्ट कॉम्बिनेशन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लिस्ट कास्ट कॉम्बिनेशन। तो 19 का डी ऑप्शन इजे करेक्ट होगा प्यारे बच्चे, 19 का डी ऑप्शन इजे करेक्ट। माई डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर श्याम यादव चौधरी चरण सिंह डिग्री कॉलेज इटावा से। प्यारे बच्चों, मैं आप लोग का एग्रीकल्चर कम्पिटेटिव लाइक बीएचयू एंट्रेंस, यूपी कैटेट एंट्रेंस, आईसीआर एंट्रेंस, अदर एग्जामिनेशन, इफको एंट्रेंस, नेबार्ड एक्सपेंस एंट्रेंस, यूपी पीसीएस, सभी का जो एग्रीकल्चर सेंटर से पूछे जाएंगे क्वेश्चन में अपलोड कर रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर श्याम यादव यूट्यूब चैनल। सर्च करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों 20 है, 20। औसत कुल लागत तथा औसत परिवर्तनीय लागत के बीच की दूरी उत्पादन की वृद्धि के साथ है। औसत कुल लागत तथा औसत परिवर्तनीय लागत के बीच की दूरी उत्पादन की वृद्धि के साथ है। ये घटती जाएगी, भी बढ़ती जाएगी, सी स्थिर रहेगी, डी शुरू में बढ़ेगी तथा बाद में घटेगी। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ए ऑप्शन मुझे करेक्ट होगा प्यारे बच्चों, घटती जाएगी। औसत कुल लागत तथा औसत परिवर्तनीय लागत के बीच की दूरी उत्पादन की वृद्धि के साथ घटती जाएगी। क्वेश्चन नंबर 21, मुद्रा स्फीति इन्फ्लेशन का कारण है। ए मुद्रा आपूर्ति की बढ़ोतरी, बी उत्पादन में गिरावट, सी मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी और उत्पादन में गिरावट, डी मुद्रा आपूर्ति में गिरावट और उत्पादन में गिरावट। 21 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा प्यारे बच्चों, मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी और उत्पादन में गिरावट, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि वस्तुओं का समर्थन मूल्य सपोर्ट प्राइस क्या है? कृषि वस्तुओं का समर्थन मूल्य क्या है? ए सरकार के द्वारा मूल्य में रियायत देना जो बाजार भाव हो। बी फ्लोर प्राइस, जिसके नीचे यह बेचा ना जा सके। सी वह न्यूनतम मूल्य जिस पर सरकार खरीदने के लिए तैयार हो। डी किसानों की उनको फसल का सूखा आदि आपदा के समय जो धन दिए जाए। क्वेश्चन नंबर 22 का सी ऑप्शन इजे करेक्ट होगा, सी ऑप्शन इजे करेक्ट, 22 का सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 का सी ऑप्शन इजे करेक्ट होगा, इसका मुद्दा आपूर्ति बढ़ती और उत्पादन गिरावट मुद्दा स्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, गिफेन वस्तुओं का संबोधन होता है। गिफेन वस्तुओं का संबोधन होता है, ए प्रचुर मात्रा में वस्तुएं, बी वस्तुओं की कमी, सी निम्न कोट की वस्तुएं और डी उच्च कोट की वस्तुएं। क्वेश्चन नंबर 23 का सी ऑप्शन करें, निम्न कोट की वस्तुएं। क्वेश्चन नंबर 24, वाई बराबर एफ कामा ए प्लस पी एक्स संबोधन करता है। y बराबर यह कामा ए प्लस बी एक्स संबोधन करता है। a एक उत्पादन फलन का, b एक मांग वक्र का, c एक पूर्ति वक्र का, d एक लागत वक्र का। तो 24 का a ऑप्शन इजे करेक्ट होगा, एक उत्पादन फलन का। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, अंधे गुड़ाई वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंधे गुड़ाई ब्लाइंड होइंग संस्कृति है। ए गेहूँ में, बी गन्ना में, सी मक्का में, डी सूरजमुखी में। अंधे गुड़ाई संस्कृति है, 25 का बी ऑप्शन इज करेक्ट,
गन्ना में। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, गेहूं के अंकुरित बीज का वह भाग जो जमीन के ऊपर सबसे पहले दिखाई देता है उसे कहते हैं। 26, गेहूं के अंकुरित बीज का वह भाग जो जमीन के ऊपर सबसे पहले दिखाई देता है उसे कहते हैं। ए भ्रूर, मूलचोल, बी वरुथिका, सी घुराग्रचोल और डी वही स्थल। तो 26 का सी ऑप्शन इज करेक्ट होगा। सी ऑप्शन इज करेक्ट 26 का। नेक्स्ट, धान के खेत में पंख भजन पॉडलिंग की जाती है। धान के खेत में पंख भजन पॉडलिंग की जाती है। ए मृदा सतह को मृदु बनाने हेतु, बी खरपतवार नियंत्रण हेतु, सी जड़ों को गहरा जाने से रोकने हेतु, डी पानी का रिसाव कम करने हेतु। तो 27 का डी ऑप्शन इज करेक्ट, पानी का रिसाव कम करने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, आनुवंशिक संरचना में परिवर्तन करके बनाई गई पहली फसल जिसे भारत में व्यापारिक स्तर पर खेती के लिए उपयोग किया गया। 28 का ए सोयाबीन, बी धान, सी कपास, डी सरसों। तो 28 का सी ऑप्शन इज करेक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 28 का सी ऑप्शन इज करेक्ट, कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन, दलहनी फसल जिसमें प्रायः मैदानी क्षेत्रों में सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होता है। दलहनी फसल जिसमें प्रायः मैदानी क्षेत्रों में सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं होता है। ए सोयाबीन, बी मूंग, सी फ्रेंच बीन, राजमा, डी मटर। तो 29 का सी ऑप्शन, 29 का सी ऑप्शन इज करेक्ट, फ्रेंच बीन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 30, पौधों में नाइट्रोजन की कमी के लक्षण सर्वप्रथम दिखाई देते हैं। पौधों में नाइट्रोजन की कमी के लक्षण सर्वप्रथम दिखाई देते हैं। ए निचली पत्तियों में, बी मध्य की पत्तियों में, सी ऊपरी पत्तियों में, डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 30 का ए ऑप्शन इज करेक्ट, निचली पत्तियों में। पौधों में नाइट्रोजन की कमी के लक्षण सर्वप्रथम दिखाई पत्तियों के निचली पत्तियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिटकेल एक संकरण है, ट्रिटकेल एक क्रॉस है। ए मक्का और ज्वार का, बी गेहूँ और जौ का, सी गेहूँ और राई का और डी राई और जौ का। 31 का सी ऑप्शन इज करेक्ट होगा प्यारे बच्चों, के हूँ और राई का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, गेहूँ का अच्छी प्रकार भंडारण करने के लिए उसमें न्यूनतम नमी होनी चाहिए। गेहूँ का अच्छी प्रकार भंडारण करने के लिए उसमें न्यूनतम नमी होनी चाहिए। ए 10% से कम, बी 4% से कम, सी 8% से कम, डी 3% से कम। तो 32 का ए ऑप्शन दीजिए करेक्ट होगा प्यारे बच्चों, 10% से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम के प्रयोग से पौधे द्वारा बढ़ता है, मैग्नीशियम के प्रयोग से पौधों द्वारा बढ़ता है। ए फास्फोरस का अपटेक, बी पोटास का अपटेक, सी नाइट्रोजन का अपटेक, डी गंधक का अपटेक। तो 33 का करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन दीजिए करेक्ट, फास्फोरस का अपटेक, मैग्नीशियम के प्रयोग से पौधों द्वारा बढ़ता है फास्फोरस का अपटेक। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, गेहूं में ताजमोल निकलने CRI क्राउन रूट इनिशिएशन की अवस्था आती है। ए कले निकलने के बाद, बी कले निकलने के पहले, सी आवार अवस्था के बाद और डी आवार अवस्था के पहले। तो क्वेश्चन नंबर 34 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका 34 का सी ऑप्शन इज करेक्ट होगा प्यारे बच्चों, सी ऑप्शन इज करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन 35, गेहूं की फसल की सिंचाई है तो सर्वाधिक क्रांतिक अवस्था है, गेहूं की फसल की सिंचाई है तो सर्वाधिक क्रांतिक अवस्था है, ए शिखर मूल निकलते समय, क्राउन रूट इनिशिएशन, बी कल्ले फूटते समय टिलरिंग, सी फूल आते समय फ्लावरिंग, डी दाने में धूप पड़ते समय। तो 35 का करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन, इज करेक्ट। गेहूँ की फसल की सिंचाई है सर्वाधिक क्रांतिक अवस्था है, शिखर मूल निकलते समय, क्राउन रूट इनिशिएशन। माय डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर समया दो 24 से डिग्री कार्य से बैठता हूँ। ऐसे प्यारे बच्चों, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे BHU इंट्रेंस, ICAR इंट्रेंस, UP कैटेट इंट्रेंस एंड अदर एग्जामिनेशन इन एग्रीकल्चर रिलेटेड सब्जेक्ट का मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अपडेट अपलोड कर रहा हूँ। प्यारे बच्चों, जो हमारे बच्चे 8वें सेमेस्टर में हैं, जो बच्चे हमारे MSc कर रहे हैं, जो बच्चे PhD कर रहे हैं, वो लोग हमारे यूट्यूब चैनल का एग्रीकल्चर कंपटीशन का यूट्यूब पढ़ सकते हैं। और जो जूनियर सीनियर अभी नहीं जानते मेरा यूट्यूब चैनल, प्लीज़ इनको शेयर करने का कष्ट करें। थैंक ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट।